हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बीएचयू वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, रेगुलर कोर्सेज के 8 राउंड आपके आ चुके हैं और अब बारी है मॉपअप राउंड की। और मॉपअप राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किए हैं, इवन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया था लेकिन उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भरी थी, पेमेंट नहीं हो पाया था, मतलब जिस भी कारण से अगर उनका एडमिशन प्रोसेस नहीं पूरा हो पाया था तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है? रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बता दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसकी 1000 रुपए फीस होगी। ठीक है, और ये सहूलियत दी गई है कि अगर आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, 1000 रुपए दे दिए हैं और आपको सीट ऑफर कर दिया गया है, आपने एक्सेप्ट करके एडमिशन वगैरह ले लिया है, तो 1000 रुपए आपके क्या होंगे, वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, नुकसान तो है नहीं। फिर अगर आपको सीट ऑफर कर दी गई और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके वो 1000 चले जाएंगे। जी हाँ, वहां पे उस केस में आपको रिफंडेबल नहीं है। और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको कोई सीट नहीं मिली है या कोई कोर्स ऑफर नहीं किया गया है तो आपको फीस वापस कर दी जाएगी, वो 1000 जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया है। तो ये तो फीस का आपका क्राइटेरिया हो गया। अब जैसा कि आपको बताया कौन से लोग कर सकते हैं पार्टिसिपेट, तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह, जान लो जिन्होंने छुआ ही नहीं था, रजिस्ट्रेशन वगैरह भूल गए थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। ठीक है, या जिसको कोर्स नहीं मिला, सीट नहीं मिली, तो वो मॉप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? जिसको कोई सीट अलॉट कर दी गई, अब आपको ऑलरेडी कोर्स दे दिया गया था या एफिलेटेड कॉलेज मिल गया तो सोच रहे हैं मॉपअप राउंड में देखने का चांस मान लें, तो उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और खासकर वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो वैकेंट सीट जारी की जाएगी अब आपकी, तो उसके हिसाब से ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। लास्ट ईयर में भी आप देख सकते हैं 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था 20-30 सीटों के लिए, 15-15 सीटों के लिए, तो मारामारी इसमें भी खूब रहेगी। लेकिन आप देखिएगा, अगर आपके मार्क्स डिजर्व करते हैं, चांसेस आपके हैं कि आपको सीट मिल जाएगी, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि तभी आपके संभव बहुत ज्यादा मार्क्स आपके कम है तब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहाँ चांस मिलेगा, जिनके ज्यादा रहेंगे उन्हीं को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे आपके रूल्स वगैरह हैं जो जारी किए गए हैं। कल आपकी संभावना है वैकेंट सीट आ जाएगी और उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा आपको जरूर मिलेगी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।